अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ससेक्स फैंसी पोल्ट्री। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं अपने इनक्यूबेटर का आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। जो मैंने लास्ट वीडियो में इनक्यूबेटर बनाया था उसका मैं रिज़ल्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये पहला दिन था जब मैंने अंडे इनक्यूबेटर में सेट किए थे। पहले दिन मैंने सारे अंडे इनक्यूबेटर में सेट कर दिए थे और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह सब मेंटेन करके रखी थी, टेंडिंग भी वक्त पे की थी दोस्तों। उसके बाद जो है मैं ये वीडियो जो है ये मैंने 21वें दिन अभी बनाई है, जब चूज़े इसमें से निकलना स्टार्ट हो गए दोस्तों। जो पीछे देख रहे हैं आप वो अनफर्टाइल अंडे हैं दोस्तों, उसमें बच्चा नहीं बना था और जिसमें बच्चा बना था वो सब बच्चे दोस्तों निकल चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों, सारे बच्चे अंडे में से निकल चुके हैं, कोई भी अंडा ख़राब नहीं हुआ दोस्तों। बात सिर्फ याद रखने की दोस्तों ये है कि इनक्यूबेटर में आपका टेम्परेचर जो है वो अच्छी तरह मेंटेन रहना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि वो लाइट जाने की सूरत में इनक्यूबेटर बंद हो जाता है तो मसला हो जाता है, तो दोस्तों उसके लिए आपके पास दूसरा कोई बैकअप होना लाजमी है ताकि आप लाइट जाने की सूरत में इनक्यूबेटर आपका चलता रहे। और दोस्तों दूसरी बात, आप ट्रेंडिंग भी वक्त पर करें और ह्यूमिडिटी को अच्छी तरह मेंटेन करें दोस्तों। ह्यूमिडिटी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है हैचिंग के लिए, आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए 50 और 70 के दरमियान।